Hey everyone, welcome back to my channel and this vlog is all about Varanasi और मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करूँगी, सारे क्लिप्स हैं। सो फर्स्ट डे मैं गई थी बाटी चोखा खाने और ये देसी फूड है यहाँ का। बाटी चोखा रेस्टोरेंट तिलिया बाग में है एंड मैं जब भी हर साल आती हूँ हम लोग यहाँ जरूर जाते हैं खाने के लिए। सो बेसिकली दे हैव थ्री काइंड ऑफ बाटीज, सादी बाटी, सत्तू की बाटी एंड पनीर की बाटी। तो हम लोगों ने पनीर की बाटी पैक भी करवाई थी घर ले जाने के लिए और यहाँ पे पनीर की बाटी खाई भी थी। वन थिंग मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी दिस टाइम की बाटी जो था, थोड़ा मुझे आटा का पोर्शन उसमें ज़्यादा लग रहा था, लाइक पक्की भी कम लग रही थी। और पता नहीं, हो सकता ये मेरा वहम हो बिकॉज पनीर की वजह से अंदर का पोर्शन गीला भी हो जाता है जो आटे की लेयर्स वाला है, बट आटे की लेयर्स बहुत मोटी थी। ओवरऑल बाकी चीज़ें बढ़िया थी। इनका जो रेस्टोरेंट है इसमें दो ऑप्शन है, एक है कि आप अला कार्ट कर सकते हो जहाँ हम लोग बैठ के खा रहे हैं, और सेकंड है अंदर बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहाँ मैंने पहले भी बहुत बार क्लिप्स डाली मेरे इंस्टा पे, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड थाली जैसा ऑप्शन है। तो हमें थाली नहीं खानी थी क्योंकि उसमें फूड बहुत वेस्ट होता है, सो हमें खाली बाटी चोखा खाना था तो वी ऑर्डर दैट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे बनारस में गए थे मॉर्निंग में गोविंद स्वीट, एंड गोविंद स्वीट में जो है अच्छी कचौड़ी सब्जियां मिलती हैं बिकॉज ये हम लोग के घर के साइड पड़ता है और सिटी के साइड बहुत सारे कचौड़ी सब्जी वाले मिलते हैं, लेकिन गोविंद स्वीट हमारे घर के साइड चौका घाट के इस साइड पड़ता है। सो मेरा जो घर है वो पांडेपुर एरिया में है बनारस में, सो हम गोविंद स्वीट में प्रेफर करते हैं कुछ भी खाना। तो आप जो ये क्लिप्स देख रहे हो इट्स लाइक बनारस की गलियां एंड ऑल, और फिर अब ये आ गया गोविंद स्वीट शॉप है एंड इनके यहाँ काफ़ी अच्छी फ्रेश कचौड़ी सब्जियां मॉर्निंग में मिलती हैं और टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है इनका। जलेबी भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने खाली कचौड़ी सब्जी खाई थी एंड इनकी स्वीट्स की भी अच्छी खासी सेल होती है। एंड स्वीट आपको अगर लेना है तो अभी मैंने लिया नहीं है बिकॉज ये व्लॉग मैं आज डाली हूँ, स्वीट मैं शाम को जाऊँगी लेने। तो स्वीट मैं लेती हूँ राजश्री स्वीट से एंड घर मैं मॉर्निंग में खाना पीना खाने के बाद रेडी हो गई हूँ, नीचे शॉप में आई हूँ। हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स ये शॉप है और यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह मिलती है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एड्रेस। आफ्टर दैट हम लोग रेडी होके गए थे साड़ी परचेस करने, तो मैंने एक साड़ी और सूट अपने लिए लिया है एंड अब शॉपिंग वगैरह कर लिया था मैंने। उसके बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग जाएँ घर के लिए सामान वामान लेने, तो धान का स्टोर से हम लोगों ने थोड़ा बहुत घर का घटा बड़ा सामान लिया, इस काइंड ऑफ जनरल स्टोर फॉर मूंग का पापड़ एंड ऑल अचार वगैरह। इसके बाद फिर हम लोग गए थे राजघाट टू हैव लस्सी, तो ये थोड़ा दूर पड़ता है, ये बेचू से आगे जाके पड़ता है, राजघाट में लस्सी वाला है जो लस्सी में रबड़ी डाल के देता है आपको। यहाँ पहलवान लस्सी भी है सिटी में, तो उसके यहाँ भी मिल जाती है ऑप्शन लस्सी में रबड़ी डाल के देने का, वो भी अच्छा बनाते हैं। सो ये शिव प्रसाद लस्सी भंडार है जहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पीने के लिए यहाँ आए थे बिकॉज हमें इस साइड कुछ काम था, तो वी थॉट कि बेचू तक आए तो लस्सी पी के ही जाते हैं। और फिर मैंने घर के लिए भी पार्सल करवाई थी, और बहुत सारी चीज़ हम घर पार्सल करवा के इसलिए जाते हैं सबको ही नहीं आ पाते हैं, और ट्रैफिक में किड्स आर नॉट कम्फर्टेबल, बनारस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग जो भी खाना खाते थे तो हमारा टारगेट होता कि घर लेके जाना है। तो ये लस्सी का मैं डिटेल डाल दी है, आप जरूर बनारस आओ तो यहाँ ज़रूर जाना, बहुत अच्छा टेस्ट है इनकी लस्सी का। अगर आप रबड़ी पसंद नहीं करते हो तो प्लेन लस्सी भी ले सकते हो इनके यहाँ से। फिर वेचू के साइड में ही खुला है वेस्ट साइड और स्टारबक्स, तो स्टारबक्स ओपनिंग उस दिन नहीं हुआ था जब मैं गई थी, तो हम लोग वेस्ट साइड में कुछ चीज़ें मेरी एक्सचेंज करानी थी, साइज़ करेक्ट नहीं थी। तो आफ्टर डैट फिर मैंने यहाँ भुजा लिया गरम गरम सिकरा साइड में, सिकरा साइड में आपको फ्रूट्स और भुजा बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर शाम हो गई लौटते लौटते, तो फिर हमने खाई पनीर चाट भंडार से टिक्की चाट, और उसके बाजू में ही है पान वाला, उससे पान लिया ढेर सारा, बनारस और पान ना खाओ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जो टिक्की चाट वाला है ये राजश्री स्वीट हाउस है, उसके ठीक सामने ये टिक्की चाट वाला है, आप जब भी आओ बनारस में इसकी टिक्की चाट भी ट्राई कर सकते हो। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप जब हम लोग गए थे फॉर
दर्शन विश्वनाथ टेम्पल। तो विश्वनाथ टेम्पल का ये कॉरिडोर है, यहाँ के बाद मोबाइल आपको सबमिट करना पड़ता है। दर्शन हो जाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे दैट लक्ष्मी चाय, जिनका टोस्ट बटर बहुत फेमस है, एंड चाय भी मैंने ली थी। तो यहाँ पे बहुत रश रहता है, कभी कभी आपको वेट भी करना पड़ता है। मॉर्निंग के टाइम पे जितने लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं वो चाय और टोस्ट खाते हैं। तो इनके यहाँ 3 types of toast मिलते हैं, एक मलाई टोस्ट, एक वाइट बटर टोस्ट, एक सीजेरियन टोस्ट मिलता है। और इस गली से ठीक बाहर निकलते ही जो है एक कचौड़ी वाला है, और वो कचौड़ी वाला बहुत फेमस है, उसकी कचौड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी होती है और सामने ही वो लोग बनाते हैं। सो आपको ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा कि कैसे क्या बना रहे हैं। तो पीछे की साइड सारे लोग वो स्टफिंग कर रहे होते, बना रहे होते कचौड़ियाँ, और इस साइड फ्राई करके भैया जो है जो चटनी वगैरह डाल के देते हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस, जब भी हम यहाँ आते हैं तो चाय टोस्ट खाने के बाद कचौड़ियाँ खा के जाते हैं, और हम लोगों ने घर के लिए भी प्लेन कचौड़ियाँ और सब्जियाँ अलग से पैक करवाई। और इनकी जो कचौड़ियाँ हैं बहुत फेमस हैं, बहुत रश रहता है यहाँ पे। श्री जी भी था तो हमने पूछा कि आपके मलाइयो भी है, तो दे सेड हाँ अभी 2-3 दिन मलाइयो और मिलेगा, उसके बाद मलाइयो का सीजन जाने वाला। तो हम लोग ने पहले दर्शन किया भैरव बाबा के। आप काशी विश्वनाथ जी जाओ तो भैरव बाबा, काल भैरव जी का दर्शन ज़रूर से करो। हम जब गए थे रश कम था, उसके बाद बहुत भीड़ बढ़ गई थी। फिर हम आ गए श्री जी फॉर मलाइयो, इनका बहुत ऑथेंटिक टेस्ट रहता है बनारस में। अब हम लोग काफ़ी टाइम से इनके यहाँ जा रहे हैं, अब तो सारे फूड ब्लॉगर्स एंड ऑल सब डालने लग गए कि श्री जी के मलाइयो, अदरवाइज़ यहाँ पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, खाली खाली रहता था। जो यहाँ के लोकल लोग होते थे वो पैक करा के ले जाते थे। हम लोगों ने वहाँ पे एक एक ये पुरवा खाया मलाइयों का बड़ा वाला, और हम ये फिर पैक कराया बड़े हांडी में। तो हांडी में क्या होता है, मलाइयो अच्छे से ठंडक, हांडी की ठंडक की वजह से ये जल्दी मेल्ट नहीं होती है। फिर हम इसे घर के लेके गए फॉर किड्स। फिर हम घर आ गए, फिर शाम का प्लान बनाया। फिर हम लोगों ने सोचा कि नमो घाट न्यू बना है तो क्यों ना नमो घाट चलते हैं। बट मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है, और शाम के टाइम पे बहुत मच्छर एंड ऑल होता है, मॉस्किटोज़ का बहुत प्रॉब्लम है नमो घाट पे, तो हम लोग को उतना अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग एक राइड की, और राइड करने के बाद फिर हम लोग आ गए फॉर डिनर। एंड डिनर के लिए हमने नदीसर में होली चॉपस्टिक है तो बच्चों का ये फेवरेट है, तो हमने उन लोगों को यहाँ ले आए। एंड उनका बैंकॉक फूड फेस्टिवल चल रहा था, तो आप यहाँ होली चॉपस्टिक में फूड ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं वेज नॉन वेज दोनों रखते हैं, तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स आपको सिटी साइड में ज़्यादा मिल जाएगा, एंड उसमें भी नाश्ते वाला ऑप्शन ज़्यादा है और भोजनालय वाला ऑप्शन ज़्यादा है। तो ये देखिए, हम लोग कुकीज़ देख रहे थे अपने लिए कि हम लोग के लिए क्या निकलता है। एंड आप यहाँ से, आप स्विगी जोमेटो से भी फूड ऑर्डर कर सकते हो। हम लोग जब नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या अदर रीजंस, तो हम यहाँ से मंगाते हैं। इनका मोमो चाओ करके भी है, तो यू अगर आपको मोमोज़ पसंद थे तो इनके यहाँ से मोमोज़ मंगा सकते हो, काफ़ी ऑथेंटिक मोमोज़ मिलते हैं, एंड आई थिंक सारे एरिया में डिलीवर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पिज़ेरिया इवनिंग में 80 घाट। पिज़ेरिया एक्चुअली हम लोग 2 बार गए थे, एक बार जिस दिन मैं आई थी उसी दिन गए थे, उसके बाद फिर वापस से मैं 3-4 दिन जब मैंने सारे दर्शन वगैरह कर लिए थे, उसके बाद फिर हम लोग बोट राइड के लिए पिज़ेरिया गए 80 घाट पे। फिर हम लोग ने बोट बुक की, तो हम लोग ने काफ़ी एक बड़ी बोट बुक की थी, ये देखिए आप। सो उसका चार्ज इन्होंने अराउंड 1000 रुपीज़ लिया था, एंड अगर आप शेयरिंग करते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से बोट मिल जाती है शेयरिंग में, बड़ी बोट लेनी है तो। और हमारी राइड बहुत अच्छी रही, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई, क्लिक करवाई फ़ोटोज़। और दोपहर का टाइम था तो हम लोगों ने ऊपर उसको बोला था कि आप कवर कर दीजिए, तो हमें थोड़ा 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि और छोटी बोट और जो हैंड बोट होती है वो कवर नहीं हो सकती बिकॉज उसमें ऊपर स्टैंड इस टाइप से नहीं लगे होते। सो आपको अगर दिन के टाइम पे जा रहे हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कवर कर दीजिए, बहुत धूप है। और ओवरऑल बोट में हमने 30 मिनट्स स्पेंड किए, आप और बार्गेन कर सकते हो, बट अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गए तो वो लोकल के लिए भी बार्गेन नहीं करते हैं। और बजट के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ अगर आप कम मेंबर्स हो तो शेयरिंग कर लो, तो आपके बहुत कम चार्ज देने पड़ते हैं।
सो यहाँ पे बहुत सारे घाट्स थे, जिसमें से मैंने नोटिस किया दिस टाइम कि जैन घाट भी है, दिगंबर जैन घाट। तो जैन लोग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है घूमने के लिए। बहुत सारे जैन टेंपल्स भी हैं बनारस में। एंड यहाँ पे जो घाट्स वगैरह थे अभी काफ़ी साफ़ सुथरे थे, पहले की तरह नहीं है। पहले बहुत गंदा रहता था, फूल वगैरह लोग फेंक देते थे। और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो रहते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखा। इवनिंग टाइम पे बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं वो गिटार वगैरह भी प्ले करते हैं, तो घाट का माहौल ही अलग होता है। स्पेशली 80 घाट में मैंने देखा कि अच्छा रहता है फॉर घूमने के लिए, और कुछ ना कुछ नया होता है एवरी टाइम। और फिर हम आ गए घर, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए सर्वेद मंदिर, जो कि बन रहा है अभी तक और काफ़ी टाइम से बन रहा है। बहुत ही अच्छा इसका जो आर्किटेक्चर है, आप देखोगे अभी तक काम एकदम महीन काम चल रहा है। तो ये मंदिर पहले लोग नहीं जानते थे, हमें पता था बिकॉज ये हमारे एरिया में ही आगे पड़ता है। तो ये जब बनना स्टार्ट हुआ तभी हमें पता चला था यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बट किसके रिगार्डिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, उस टाइम हमें नहीं पता था। फिर हमारे PM और UP के CM जी, जब योगी जी मोदी जी ने यहाँ विज़िट किया, तब ये फेमस हो गया मंदिर और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए। और ये एक्चुअली एक मेडिटेशन सेंटर बन रहा है फॉर फ्यूचर, एंड आई थिंक इट्स अ गुड। अगर यहाँ पे आके जाके फ्यूचर में बहुत सारे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, जो ये गुरुजी सदगुरु जी को, देव जी को, महाराज को मानते हैं, उनके फॉलोअर्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और घर ले लिया गया है उन्होंने, और वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, शिफ्ट हो गए। उनमें डॉक्टर्स, जो भी बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग हैं, दे आर शिफ्टिंग देयर। जब ये मंदिर रेडी हो जाएगा तो वो लोग मेडिटेशन वगैरह या जो भी चीज़ें उनके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद इसके आगे ही ठीक है मार्कंडे महादेव जी का टेम्पल, और उस एरिया में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम वहाँ पे गए, दर्शन किया, एंड हम फिर लौट द टाइम कोकोनट वाटर पी के आ गए। फिर हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ट्राई किया, वी डोंट लाइक इट। सो मैंने अभी तक जितनी भी क्लिप्स शेयर की है 3-4 दिन के अंदर, मैंने जो भी बनारस में एक्सप्लोर किया, या एवरी टाइम मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें रेगुलरली जब भी बनारस आती हूँ तो यहाँ पे विजिट जरूर करती हूँ, जैसे बाटी चौखा एंड 2-3 रेस्टोरेंट्स मेरे फिक्स हैं, एंड मंदिर टेम्पल विजिट, तो ये सारी चीज़ें जो मेरी फिक्स हैं, या तो मैं जाती हूँ या फिर मैं स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करती हूँ। तो इनका टेस्ट जो भी डिफरेंस आया मैंने वो व्लॉग में मेंशन कर दिया है। एंड जो भी 80 घाट में बोट राइड है उसके रेट जो है हमेशा अलग होते हैं, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है व्लॉग में। एंड सो ये था मेरा वाराणसी का जो भी एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर कर रही हूँ। मे बी शॉर्ट्स में मैं छोटे छोटे क्लिप्स और ऐड करके आपको डिटेल्स दे दूँगी। आपको कोई भी शॉपिंग के लिए या कोई चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तो मुझे आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM करके पूछ सकते हो कि अगर आपको बनारस में कुछ शॉपिंग करनी है तो आई विल गाइड यू। आप खाना कहीं खाना है तो आप मुझे DM कर दो, मैं आपको बता दूँगी आपको कहाँ क्या अच्छा मिलेगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम वाराणसी और मैं सूरत में रहती हूँ। एंड अदर थिंग, मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ बिकॉज काफ़ी दिन की क्लिप्स हो गई थी, तो आई थॉट कि ये शेयर कर देते हैं। थोड़ा कहीं कहीं कन्फ्यूजिंग लगेगा बिकॉज सब छोटी छोटी क्लिप्स हैं एंड मेरी वॉइस ओवर है, सो मैं व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज इतना ट्रैफिक एंड ऑल, इतना क्योस हो जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्लिप्स बना के रखती हूँ और सबको मर्ज करके मैं आपको बता दूँगी कि मैं बनारस में कहाँ घूमी और क्या क्या एक्सप्लोर किया और एवरी टाइम मैं कहाँ विज़िट करती हूँ। सो ये थी सारी चीज़ें, एंड अब मैं मिलती हूँ सूरत वाले ब्लॉग में। अब सूरत जाने वाली हूँ मैं जल्दी, एंड अदर थिंग इज़ या यहाँ गर्मी बढ़ चुकी है काफ़ी। बनारस घूमने का बेस्ट वेदर है विंटर्स, और या फिर आप मार्च के स्टार्टिंग में आओ अगर आपको बहुत गर्मी ठंडी पसंद नहीं है तो। सो मैं यहीं एंड करती हूँ मेरा ये व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।